let it hang. हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है माइल्स एक्सप्लोर में। दोस्तों, मैं जा रहा हूँ आज उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए, और आज अचानक से ही मेरा प्रोग्राम बन गया। मेरे दोस्तों ने प्रोग्राम बनानी, जो मेरे पुराने दोस्त थे मेरी पुरानी कंपनी के, तो अभी उनसे मिलवाता हूँ। चलिए दोस्तों, ये मेरा दोस्त आदेश है, ये है रीचा, और वो है अभिषेक। जय शंकर सब। हम लोग पुरानी कंपनी के दोस्त सारे, और अचानक से ही रीचा ने प्रोग्राम बनाया, फिर आदेश ने बना दिया प्रोग्राम। ये देखो, नाके भी नहीं आया, ये दर्शन करने के लिए जा रहा है बाबा के। नहीं, नाके आया हूं मैं। अरे बिल्कुल, ये देखो, ये हम सब पॉलिसी बाजार के बंदे हैं सारे के सारे। चलिए आगे मिलते हैं रास्ते में। देखिए दोस्तों, इन लोगों का फोटो सेशन चल रहा है। बस यही दिक्कत होती है अपने दोस्तों के साथ आने में, ग्रुप में। ये देखो, वो फोटो खींच रहा है, वो लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। ये देखिए, अभी आधा घंटा में यही खराब करने वाले हम सबके सब। दोस्तों, ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे, और अभी मैं रेस्ट एरिया में रुका हुआ हूँ। और ये देख सकते हैं कितनी अच्छी से सुविधा दे रखी है यहाँ पे, प्रॉपर रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पे। और अभी मैं अलवर के पास हूँ, तो काफ़ी वॉशरूम वगैरह भी नीट एंड क्लीन है बिल्कुल, और जो भी चीज़ चाहिए आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आपको पेट्रोल वगैरह भरवाना है, डीजल वगैरह लेना है, तो डीजल पेट्रोल वगैरह भी आपको यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए, दोस्तों मैं आ चुका हूँ कोटा बाईपास पे। कोटा शहर है यहाँ पर पास में ही, और ये बाईपास है। और यहाँ देखिए कितने अच्छे ग्रीनरी है, कितना अच्छा नज़ारा आ रहे हैं। हाईवे पे खड़ा हुआ हूँ मैं, और मुझे चलते हुए 8 या 9 घंटे हो चुके हैं, और रात से ही चल रहे हैं। और अब 250 किलोमीटर बचा है उज्जैन, और रोड काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के। और एक चीज़ मैंने देखी, यहाँ पर गाय बहुत है राजस्थान साइड में, जो हाईवे के बीच में बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। चलो नज़ारे दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है विंड मिल, जैसे कहते हैं पवन चक्की। और ये देखिए, आज मैंने पहली बार देखी है, और ये मैं मध्य प्रदेश के अंदर आ चुका हूँ, एमपी के अंदर एंट्री कर ली है। और कितने ही प्यारे व्यू आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। मध्य प्रदेश भी सच में बहुत खूबसूरत है। ये देखिए दोस्तों, और काफी ग्रीनरी है दोस्तों यहाँ पे। हेलो दोस्तों, मैं उज्जैन पहुंच चुका हूँ, और हमने होटल ले लिया है। ये हमारा रूम है, ये देखिए दिखा देता हूँ। और ये 2500 रुपीज में आया, इसमें 2 बेड है, ठीक है। और वॉशरूम उधर की तरफ है, तो वॉशरूम में नीट एंड क्लीन है। तो यहाँ जो रूम है 2500 से स्टार्टिंग कम से कम है, मतलब मिल जाएंगे 1000-1500 में भी, पर फिर वो आपके ऊपर है थोड़ा। मतलब अगर आप सिंगल आ रहे हो या 2 जने आ रहे हो तो फिर ठीक है, बाकी 2500 में ये भी ठीक है। और मैं आपको होटल दिखा दूंगा अभी, होटल का नाम मुझे पता नहीं है, क्योंकि बस हम थके हुए थे, जल्दी आ गए और नहाने वहाने लग गए, और अब जाएंगे दर्शन के लिए। देखिए दोस्तों, ये है होटल सनशाइन, जिसमें हम ठहरे हुए हैं। और ये देखिए, ये है उज्जैन की मार्केट, इस तरीके से है। और हमें सामने की तरफ जाना होगा, आगे की तरफ है टेंपल, ये देखिए। तो इस तरीके से है यहाँ की मार्केट।
दोस्तों, मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ और मंदिर 400-500 मीटर दूर है हमारे होटल से। और इस तरीके से मार्केट है, देख लीजिए मार्केट कैसी है यहाँ की। दोस्तों मैंने प्रसाद ले लिया है, ये देखिए बाबा का, और ये पीछे मंदिर है माँ काल जी का। इसलिए मंदिर दिखाता हूँ आपको, आइए। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मंदिर है यहाँ पे, ये देखिए। और मैं अभी प्रवेश द्वार पर खड़ा हुआ हूँ। और ये देखिए, मैंने ये प्रसाद लिया है जो कि 260 रुपीज़ में मिला है मुझे। इसमें एक चढ़ जाता है और नीचे की तरफ जो एक प्रसाद है वो चढ़ेगा, ये घर के लिए मिल जाएगा ऊपर जो है। और ये देखिए, ये एंट्रेंस है यहाँ से। और महाकाल का मंदिर दोस्तों बहुत बड़ा है यहाँ पे, ये देखिए। जिन दोस्तों ने नहीं देखा महाकाल का मंदिर वो देख लीजिए। ये उज्जैन में हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मंदिर है। और ये देखिए दोस्तों, ये है कॉरिडोर बनाया है इस तरीके से, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके द्वारा ये कॉरिडोर की शुरुआत हुई थी 2019 के अंदर। तो इस तरीके से कॉरिडोर बनाने की तैयारी, मतलब अभी काफ़ी काम बचा हुआ है, काफ़ी हद तक हो भी चुका है इसमें। देखिए ये देखिए, तो इस तरीके से लोग दर्शन करके आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। दोस्तों बाबा के दर्शन हो गए हैं और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हैं बाबा के, और मैं बहुत खुश हूँ बाबा ने मुझे अपने यहाँ धाम पे बुलाया। और बहुत ही अच्छे से प्रशासन ने यहाँ पे लोगों को दर्शन करवाए हैं। प्रशासन का इंतज़ाम मैंने बहुत अच्छा लगा मुझे देख के यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, तो ये कॉरिडोर है दोस्तों जो माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बनवाया गया है यहाँ पे, और काफ़ी भव्य तरीके से बनवाया है इसको। एक चीज़ दोस्तों, अब आप VR द्वारा भी भस्म आरती के दर्शन कर सकते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, तो अगर आप यहाँ आ रहे हो, अगर आपको भीड़ में नहीं लगना है, तो आप यहाँ पे VR द्वारा भी भस्म आरती के दर्शन कर सकते हो दोस्तों। और ये सामने धर्मशाला है दोस्तों, ये महाकालेश्वर निवास है, भक्त निवास, जहाँ पे लोग आकर सकते हैं। एक तरीके से डोमेट्री है, आप आके अपना यहाँ पे आधार कार्ड दिखा के और अपनी फीस जमा करा के अपना यहाँ बेड ले सकते हैं रहने के लिए। तो इस तरीके से है दोस्तों, ये देखिए, और काफ़ी प्यारे दर्शन हुए बाबा के। और मुझे यहाँ के इंतज़ाम बहुत अच्छे लगे दोस्तों, और जैसे जितनी यहाँ पे रश है, भीड़ है, उस हिसाब से
कोई धक्का मुक्की नहीं थी, आराम से दर्शन हुए हैं, काफी प्यारे से तरीके से दर्शन करवाए हैं बाबा के। देखिए दोस्तों, ये है जो कॉरिडोर का काम बचा हुआ है अभी, तो अभी जो आप सामने देख रहे हैं बस इतना ही काम बचा हुआ है। और ये सामने से एक ब्रिज सा बनाते हुए जा रहे हैं, ये लेक है एक, और एक बहुत प्यारी लेक को क्रिएट कर रहे हैं लोग यहाँ पर। और आने वाले समय में दोस्तों आप महाकालेश्वर जो दर्शन करोगे तो यहाँ का जो आसपास का दृश्य देखोगे वो काफ़ी प्रिय देखोगे, काफ़ी ही प्यारा देखोगे दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो बन चुका है कॉरिडोर वो इस तरीके से देखने में दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, रात के समय उज्जैन की गलियां, और इस वक्त मैं खाना खाने जा रहा हूं, और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं यहां पर। ये देखिए इस तरीके से मार्केट है, और काफ़ी प्यारा है उज्जैन, काफ़ी प्यारे लोग हैं उज्जैन के। चलिए दोस्तों, इस होटल में आप खाना खाते हैं, तो ज़्यादा तो खाना नहीं, हल्का फुल्का खाएंगे। इस तरीके से आपको होटल मिल जाएंगे यहाँ पर, ये देखिए। और काफ़ी बढ़िया, काफ़ी प्यारी गलियाँ हैं, जैसे हरिद्वार में गलियाँ देखी होंगी आपने, बिल्कुल ऐसी है उज्जैन की गलियाँ भी, हरिद्वार ऋषिकेश जैसी। और आज शिवरात्रि वाला दिन है, ये देखिए। दोस्तों मैंने दर्शन कर लिया, मार्केट आप लोगों को दिखा दी है। और अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं महाकाल के दर्शन के लिए, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप फ्लाइट द्वारा आना चाहते हो यहाँ पर, तो आप इंदौर एयरपोर्ट है इंदौर में, तो यहाँ से 52 किलोमीटर की दूरी है उसकी, तो 52 किलोमीटर है, तो 1 या 1.5 घंटे तक में आप यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है, कैब वगैरह से। और एयरपोर्ट का नाम है आलिया भाई होलकर एयरपोर्ट, ठीक है, तो आप उस एयरपोर्ट से यहाँ आ सकते हो। और चलिए, आदेश वगैरह ये बैठे हैं सारे, इनसे पूछते हैं कैसा लगा और क्या चीज़ इनको अच्छी लगी, क्या चीज़ खराब लगी, ये लोग बताएंगे। आदेश कुछ अच्छा लगा भाई, बताओ। काफी कुछ अच्छा लगा, सारा कुछ अच्छा ही लगा, बड़ा अच्छा लगा हमें यहाँ पे। मतलब क्या चीज, महादेव के बड़े अच्छे दर्शन हुए काल भैरव के हमारे। और मार्केट वगैरह, मार्केट काफी अच्छा है, क्या अलग लगा वगैरह, खाना जो है वो भी बहुत अच्छा है। महादेव के दर्शन करने आया भाई, सब बढ़िया, सब बढ़िया है, मस्त विजिट जगह है। और कोई ऐसा तो नहीं लगा कि कोई लूट पाट है यहाँ पे, कोई ऐसा कोई बिजनेस कर रखा है लोगों ने यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है? कहीं भी चले जाओ आप, आपको सिस्टम मिलेगा मिलेगा, बट अगर आप महादेव के दर्शन करने आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 100-50 रुपये में जो है।
देखा आपने कि वैसे यहाँ पर मैंने एक चीज खुद भी देखी कि यहाँ लूटपाट नहीं है वैसे फालतू की चीजों की, जैसे काफी जगह पर आपने देखा होगा तीर्थ स्थानों पे तो कि थोड़ा बहुत लूटते हैं, धर्म से रिलेटेड चीजों में झूठ बोलेंगे, आपसे चीजें लेंगे, मतलब यहाँ पे बहुत सही है और दर्शन काफी अच्छे से हुए, बहुत पास से दर्शन करवाए हैं। और अगर जो भी यहाँ पे भस्म आरती लेना चाहता है जो सुबह 3 या 4 बजे होती है, उसके लिए आपको एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तो आप सीधा वेबसाइट से भी कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट डाल दूंगा मैं, और या फिर आप डायरेक्टली यहाँ आके भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो कल अब हमारा प्रोग्राम ये है, हम जा रहे हैं ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें 3 घंटे लगने वाले हैं हम लोगों को। तो कल वहाँ के आपको नज़ारे दिखाएंगे और दर्शन कराएंगे, ठीक है? तो चलिए कल मिलते हैं, बाय, अपना ध्यान रखना, बाय। जय शंकर भाई सबको। हर महादेव, हर महादेव।